जय हिंद दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि कहीं भी आपकी गाड़ी अगर पंचर हो जाती है, आपकी गाड़ी की हवा निकल जाती है, आपकी गाड़ी में टायरों में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आपको पछताने की, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास एक गाड़ी है यहाँ पर जिसमें हम दिखाने वाले हैं आपको। ये देखो ये क्या हो रहा है, गाड़ी में पंचर हो गया, लेकिन पंचर होने के बाद भी जो गाड़ी वाले हैं उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोग देख रहे थे कि गाड़ी में पंचर हो गया, लेकिन गाड़ी में पंचर होने के वाला गाड़ी के जो ओनर हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल छोटा सा भी इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है एक ये जुगाड़ है, ये इसमें देखोगे तो मीटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे ये मीटर लग रहा है और ये आवाज़ कर रही है। इस आवाज़ से आप देख पा रहे होगे कि जो है चार ये जो टायर है इसमें हवा डाली जा रही है। अब इस छोटी सी जो मोटर है इसमें, ये जो छोटा सा जुगाड़ है इसके थ्रू इस टायर में गाड़ी के में हवा कैसे डाली जा रही है, सबसे मेन रीज़न है, सबसे मेन मुद्दा है कि इसमें जो है हवा किस तरीके से जा रही है इसके माध्यम से, और ये चल कैसे रहा है, बिजली से चलता है, बैटरी से चलता है या चार्जिंग होकर चलता है। तो अभी हम इसका सिस्टम आपको दिखाने वाले हैं। ये राजीव जी का है, राजीव जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज मीटिंग में आए हुए थे तो इस वजह से मिले थे यहाँ पर। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जुगाड़ जो कितने रुपए का बना है, और सभी ड्राइवर भाई इसका उपयोग करें तो उनके लिए भी कुछ अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि कहीं भी गाड़ी की अगर हवा निकल जाती है, पंचर हो जाता है, तो फिर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राजीव जी, ये जो आपने कितने रुपये का और कहाँ से ख़रीदा ये था? सर मैंने 800 रुपये का लिया था। अच्छा, इससे बड़ी आसानी हो गई है। हाँ, क्योंकि एक दो बारी मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, एक बारी स्टपनी पंचर हुई। हाँ, चलो मैंने कहा स्टपनी पंचर आगे लगवा लूँगा, तो रास्ते में फिर दूसरा टायर पंचर हो गया। अच्छा, तो इससे बड़ा आसानी हुई है मुझे। हाँ, इससे हवा भर जाती है 5 मिनट के अंदर। अच्छा, पूरा हवा हो जाती है और फिर आगे जाके कहीं भी पंचर लगवा लो, 5 मिनट में हवा भर जाती है इससे। अच्छा, और इसका जो जुगाड़ है मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ से लिया था ये? आपको मिल जाएगा किसी भी कार का जो एसेसरीज वाली दुकान है उस पर मिल जाता है। ठीक है, जो कार वाली एसेसरीज की दुकान होती है वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। 800 रुपये का जो सर ने लिया था ये, और इसका दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें एक तार है, ये जो वायर है, पहले तो मैं दिखा दूँ, उसमें एक पाइप है जो कि आपकी यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें जिसमें हवा डालते हैं उसमें लगा दिया है, और एक वायर है जो इधर से जा रहा है ऐसे करके यहाँ होके आ जाता है, और यहाँ होके आने के बाद आपको बताऊँ जहाँ पर ये लगता है ना चार्जर, जहाँ ये चार्जर लगाया जाता है, जो मोबाइल वोबाइल चार्ज करते हैं आप, उसी सॉकेट में ऐसा ही चार्जर होता है और उसको इसमें लगा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर ये लगा दिया गया है। जहाँ चार्जर है, चार्जर की जगह पर इस सॉकेट को लगा दिया जाता है, उस तरीके का बिल्कुल वही चार्जर होता है इसका, उसमें लगा दिया जाता है, उसके बाद आपकी गाड़ी की जो हवा है वो डाल दी जाएगी। जब इसमें हवा पूरी हो जाएगी तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, क्यों जी? हाँ जी, जब इसमें हवा कंप्लीट हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। नहीं, 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 नहीं। बंद करना पड़ता है, मीटर लगा है ना, मीटर में देखना पड़ेगा। अच्छा, कितने पॉइंट हमने गैस भर, ये जो मीटर मीटर लग रहा है इसमें आपको देखना है कितनी हवा डालनी है, उसके बाद आप निकाल दोगे उसको, है ना? तो इसमें जो मीटर लग रहा है, मीटर इसमें आप देख सकते हो, ये मीटर लग रहा है यहाँ पर, इस मीटर में आप चेक करके इसे बंद कर देना, वहाँ से इसका चार्जर है उसे निकाल देना, अनप्लग। अच्छा, इसमें एक बटन भी दिया हुआ है नीचे येलो कलर का, यहाँ से बंद कर सकते हो या इसे अनप्लग कर सकते हो। अच्छा, करके दिखा रहे हैं। हाँ, बंद हो गया, चालू हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा जो आ रहा है, जो कि आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी, अगर गाड़ी पंचर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सभी को पता चल जाएगा कि भाई अगर गाड़ी की हवा निकलती है कुछ भी होता है। तो मैंने तो आज ही देखा, पहली बार तो अच्छा लगा, मैंने सोचा सभी भाइयों के साथ शेयर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।